रूल्स ऑफ अकाउंट का ये दूसरा वीडियो है, और आपने इसके पहले वाले वीडियो में रूल्स ऑफ अकाउंट का पहला जो सेगमेंट था जिसमें आप लोग सीख रहे थे, जिसका नाम था रूल्स ऑफ अकाउंट, में सबसे पहला आपने सीखा था पर्सनल अकाउंट। यानी पर्सनल अकाउंट को आप लोग सीख चुके हैं, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल सहित इसके हमने दो तीन एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया था। अब रूल्स ऑफ अकाउंट का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे, यानी दूसरे में हम बात करेंगे रियल अकाउंट का। यानी रियल अकाउंट क्या होता है, इसमें किस प्रकार से खाते लिखे जाते हैं, और यानी रियल अकाउंट को बोला जाता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट में किस प्रकार के खाते लिखे जाते हैं और इसके लिखने के नियम क्या हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल LCTI मौर्या सर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो आगे बनाते रहें या आप YouTube पे डालते रहें वो आप लोग को प्रोवाइड हो सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि इस लॉकडाउन में आपको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें, और अगर जो निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ में मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। तो आइए हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। जैसे कि कुछ हमने जो पहले पर्सनल अकाउंट जो पढ़ाया था, जो हमने क्लास दिया था, उस क्लास में हमने देखा कुछ स्टूडेंट हमारे जो क्वेश्चन थे उसका रिप्लाई भी किए हैं, जिसमें दो तीन स्टूडेंट ही रिप्लाई किए हैं, बाकी तो मैंने किसी को देखा नहीं कि किसी ने रिप्लाई किया हो कि सर मैंने इसका बना लिया, इसकी एंट्री मैंने कर ली है, या सर मुझे ये समझ में आ चुका है। तो अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल को ज़रूर जाएं, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट यानी इसके अंतर्गत किसके खाते लिखे जाते हैं और इसके लिखने के नियम क्या क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यानी रियल अकाउंट की अगर जो हम बात करें तो इसमें दो प्रकार के, यानी कि दो चीज़ें, एक जिसको हम बोलते हैं वस्तु यानी कि गुड्स जिसको बोला जाता है, और एक होता है एसेट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं संपत्ति। यानी जो रियल अकाउंट होता है, इस रियल अकाउंट के अंतर्गत जो खाता लिखा जाता है वो वस्तु और संपत्ति से संबंधित खाते लिखे जाते हैं। अब वस्तु संपत्ति यानी कि जो वस्तुओं या संपत्तियों का लेन देन होता है, जिनका खरीदारी होता है या विक्रय होता है, ऐसे खातों का ही ट्रांजेक्शन्स यानी इस नियम के अनुसार और इस अकाउंट के अंतर्गत लिखा जाता है। यानी रियल अकाउंट के अंतर्गत आपके वस्तु और संपत्ति से संबंधित खाता लिखा जाता है। हम अगर जो बात करें क्रेडिट और डेबिट की, तो इसमें बहुत आसान इसमें रूल्स है इसके, यानी इसके लिखने के जो नियम हैं, लिखने के नियम, लिखने का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि वस्तु वस्तु या संपत्ति, वस्तु या संपत्ति आएगा तो खाता खाता डेबिट। यानी अगर वस्तु या संपत्ति हम लोग रिसीव करते हैं तो उसका खाता क्या होगा, डेबिट होगा, और वस्तु या संपत्ति, वस्तु या संपत्ति जाएगा तो खाता क्रेडिट होगा। यानी रियल अकाउंट के अंतर्गत जो होता है वो वस्तु और संपत्ति से संबंधित खाते लिखे जाते हैं, जिसमें आने वाले वस्तु और संपत्ति का खाता डेबिट तथा जाने वाले वस्तु और संपत्ति का खाता क्रेडिट होता है। यानी जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई सेलर हैं, क्या हैं, कॉमर्शियल
कोई सेलर हैं या हम लोग कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं या कोई सप्लायर हैं, अगर हम लोग के पास से वस्तु जा रही है तो वस्तु जाने के बाद उस वस्तु से हमें कुछ प्राप्त होगा। तो इसलिए यानी कि जब वस्तु जाती है तो खाता को क्या किया जाता है, क्रेडिट। यानी वस्तु जाने पर खाता क्रेडिट और वस्तु आने पर खाता डेबिट। नियम शायद समझ में आपको आ गया होगा, बहुत सिंपल है। वस्तु, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, वस्तु या संपत्ति आएगा तो खाता डेबिट, और जब वस्तु यानी कि वस्तु आप रिसीव करेंगे तो खाता डेबिट होगा। वस्तु या संपत्ति जाएगा तो खाता क्रेडिट। अब आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, मुझे पता है कि सर वस्तु और वस्तु तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, लेकिन संपत्ति में तो आप बहुत चीज़ें सोच रहे होंगे कि संपत्तियां तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या सभी संपत्तियां जाने पर ही खाता हमारा डेबिट हो जाएगा या आने पर क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए इसकी चर्चा जो है हम लोग करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस वर्ड्स, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि एसेट्स यानी कि संपत्ति क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इस बिजनेस में कौन से एसेट्स यानी कौन से संपत्ति को ऐड किया गया है, तो वहाँ पे हम लोग को संपत्ति क्लियर हो जाएगी। फिलहाल बस आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि किसको क्रेडिट करेंगे और किसको डेबिट करेंगे, किसका खाता किस नियम अनुसार लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पे क्लियर करना। आपको यहाँ पे वस्तु और संपत्ति को नहीं, यानी आपको यहाँ पे संपत्ति पर विशेष नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है कि वस्तु या संपत्ति अगर नाम आता है तो आपका जो नियम लगेगा वो रियल का नियम लगेगा। और रियल का नियम क्या कहता है कि जब वस्तु या संपत्ति आए तो खाता डेबिट करिए, जब वस्तु या संपत्ति जाए तो खाता क्रेडिट कर दीजिए। तो आइए हम इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास, लिखा है पहला प्रभा इलेक्ट्रॉनिक से 15,000 रुपये का एचपी प्रिंटर खरीदा गया। यानी यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, एग्जाम्पल है, उसमें कहा गया है कि प्रभा इलेक्ट्रॉनिक से 15,000 रुपये का एचपी प्रिंटर खरीदा गया। यानी हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे वस्तु और संपत्ति यानी वस्तु आने और जाने की बात हुई है, तो जब वस्तु आने और जाने की बात हो, खरीदने और बेचने की बात हो, तो आप सीधे सीधे कौन सा नियम इस पे अप्लाई करेंगे, रियल का अप्लाई करेंगे। ठीक है, रियल का अप्लाई करने के बाद यानी इसका खाता किस में लिखेंगे, रियल अकाउंट में लिखेंगे। और जब हम लोग इसको रियल में लिखेंगे तो हम इसमें विशेष कर ध्यान देंगे कि वस्तु हमारे पास आ रही है या जा रही है। जैसे हमने कहा, मैंने आपसे कहा कि प्रभा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मैंने प्रभा इलेक्ट्रॉनिक से 15,000 रुपये का एचपी प्रिंटर खरीदा। यानी हम कह रहे हैं कि प्रभा इलेक्ट्रॉनिक्स से 15,000 रुपये का एचपी प्रिंटर खरीदा, यानी मैंने एक एचपी प्रिंटर खरीदा है। किसके यहाँ से खरीदा है, प्रभा इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि प्रभा इलेक्ट्रॉनिक से अगर जो खरीदा गया तो खरीदने वाले के पास ही वह वस्तु जाएगी, ना कि प्रभा इलेक्ट्रॉनिक के पास जाएगी।
और वह इलेक्ट्रॉनिक के पास क्या जाएगा, धन जाएगा, कैश जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर जो इसको हमें बनाना हो जाए तो बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके वस्तु से यानी जिसके पास से वस्तु जाएगी उसका खाता क्रेडिट, और जिसके पास आएगा उसका खाता डेबिट। तो हमारे पास आ रही है तो हम डेबिट होंगे, पर वह इलेक्ट्रॉनिक के पास से जा रही है तो क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ पे हमें ये सब नहीं देखना है अभी कि कहाँ पे हम क्रेडिटर लिखेंगे, पहले क्रेडिटर लिख रहे हैं कि पहले डेबिटर लिख रहे हैं, उसको ध्यान नहीं देना अभी, आपको रूल से समझना है, नहीं तो जैसे क्या होता है कि आपको आगे मिलेगा जिसमें बोला जाता है कि पहले डेबिट होता है उसके बाद क्रेडिट होता है। सो ऐसा कुछ है नहीं, आप अगर जो करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पहले लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर लिखा है प्रभा इलेक्ट्रॉनिक्स से 15,000 रुपये का इस पर प्रिंटर खरीदा गया, तो यानी बेचने वाला कौन है, प्रभा इलेक्ट्रॉनिक, उसके पास से वस्तु जा रही है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम उसकी एंट्री कराएंगे, तो लिखेंगे टू प्रभा इलेक्ट्रॉनिक, और इसका खाता हम लोग क्या कर देंगे, 15,000 रुपये क्रेडिट बना देंगे। और क्या चीज़ ख़रीदा जा रहा है, तो वो एच पी प्रिंटर है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाई एच पी प्रिंटर, और इसका खाता हम लोग क्या कर देंगे, 15,000 रुपया डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग दोनों लोग का खाता यहाँ पे चढ़ा देंगे। अगर आप लोग को इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको टाइप कर सकते हैं, फ़िलहाल बहुत आसान है। हमने कहा प्रभा इलेक्ट्रॉनिक से 15,000 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूँकि आपको पहले भी बताया गया है कि टू हमेशा क्रेडिट के साथ जुड़ता है और बाई हमेशा डेबिट के साथ, तो टू यानी कि बेचने वाला कौन है, प्रभा इलेक्ट्रॉनिक, यानी प्रभा इलेक्ट्रॉनिक के पास से वो एचपी प्रिंटर जा रहा है, और ख़रीद रहे हैं हम, तो हमारे पास एचपी प्रिंटर आ रहा, तो इसलिए हमने एचपी प्रिंटर को डेबिट बना दिया और प्रभा इलेक्ट्रॉनिक को क्रेडिट बना दिया। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सक लेते हैं इसमें, दूसरा एग्जांपल, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि हम देख रहे हैं लिखा हुआ है इसमें, शर्मा एजेंसी को 2,00,000 रुपये का माल बेचा गया, यानी इस बार यहाँ पे फिर से देखिए माल आया है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स, यानी कि कोई वस्तु होगी, कोई संपत्ति होगी, तो उसी का नाम यहाँ पे दोबारा आया है, तो यहाँ पे ख़रीदने और बेचने का भी नाम आया है, तो इससे पता चल रहा है कि इस पे कौन सा नियम फॉलो करेगा, वो नियम फॉलो करेगा हमारा रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट क्या कहता है कि जब जिसके पास वस्तु या संपत्ति आए उसका खाता डेबिट बनाइए, और जिसके पास से जाए उसको क्या करिए, क्रेडिट बनाइए। तो लिखा हुआ है कि शर्मा एजेंसी को 2,00,000 रुपये का माल बेचा गया, तो यानी शर्मा एजेंसी को 2,00,000 रुपये का माल बेचा गया है, यानी शर्मा एजेंसी के पास इस बार क्या है, वस्तु और संपत्ति जा रही है, और किसके पास से जा रही है, हमारे पास, यानी कि जो बेचने वाला है। तो इसका बनाएंगे हम लोग, बहुत आसान है, सिंपल इसका भी बना सकते हैं, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दोबारा एंट्री करते समय पार्टिकुलर, चलिए इस बार हम आप लोग का कहना ही मान लेते हैं, डेबिटर और यहाँ पे क्रेडिटर। चल अब लिखा है शर्मा एजेंसी को, यानी शर्मा एजेंसी को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो बस तो किसके पास जाएगी, शर्मा एजेंसी के पास जाएगा, तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे बाई शर्मा एजेंसी, कितना रुपए का माल इनके पास जा रहा है, 2,00,000 रुपये का, और जा क्या रहा है, क्या किया जा रहा है, इनको बेचा जा रहा है, तो बेचने की अंग्रेजी क्या होती है, सेल्स, और माल की अंग्रेजी क्या होती है, गुड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि टू गुड्स सेल्स, कितने का, 2,00,000 रुपये का,
और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों लोग का खाता यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। मुझे लगता है कि आप लोग को शायद ये रियल अकाउंट समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, हम उसको दोबारा रिपीट कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो आइए हम आपको कुछ है क्वेश्चन दे देते हैं, जिसको आप लोग करके और बना के हमें कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में इसको भेज सकते हैं, और हमको बताएंगे कि इसमें क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। तो हम आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं जो हमारे रियल अकाउंट से ही संबंधित होगा। नोट करिए आप लोग फटाफट। पहला है, दिनकर एजेंसी से 1,00,000 रुपये का माल खरीदा गया। दूसरा हमारे पास है, मोहन को 25,000 रुपये का मोहन को 25,000 रुपये का सोनी टीवी बेचा गया। तीसरा हमारे पास है, राधे गोविंद, राधे गोविंद को 50,000 रुपये का माल बेचा गया। आपको ये 3 क्वेश्चन आपको करके कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके बताना है, ग्रुप में भी भेज सकते हैं, और आप इसमें बताएंगे कि आपको ये समझ में आया नहीं आया, और इसको आप करके ज़रूर देंगे ताकि हम समझ सकें कि क्या आप हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉमिनल अकाउंट, और उसके अगले वीडियो में हम आपको तीनों अकाउंट का एक ऐसा निचोड़ बताएंगे जिससे आप आंखें बंद करके भी पहचान सकते हैं कि इस पे कौन सा नियम फॉलो होगा। यानी बस आप क्वेश्चन को सुनेंगे और तुरंत आप जान जाएंगे कि इस पे कौन सा नियम फॉलो होगा, किसको क्रेडिट बनाया जाएगा और किसको डेबिट बनाया जाएगा। बहुत आसानी से